अगर आप अध्ययन करें तो सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है, सुअर पालने वालों को सब्सिडी दी जा रही है। सुअर का मतलब मैं आप दूसरा मत लीजिए, मैंने कहा कि सुअर पालने के लिए सब्सिडी दी जा रही है लेकिन गाय पालने के लिए नहीं दी जा रही है, सुअरों के लिए और सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है। हर तरीके की संविधान को तोड़ करके दी जा रही है कि हमें देनी है। फिर कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण करो। सुअर जो है जनसंख्या नियंत्रण को मैं यकीन नहीं रखता, सिर्फ गाय ही रखती है। इसलिए गाय जिस दिन राष्ट्रीय पशु घोषित होगा उस दिन सुअरों को सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी, सुअर पालन पे सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। लड़ाई लड़नी है तत्कालिक तौर के निजी स्वार्थ और फायदे की लड़ाई मत लड़िए। आपके पास समय भी कम है, युद्ध बहुत लंबा है, जो युद्ध एक आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो भागनगर में हुआ है, देश के हर शहर में ये जिहादी 24 घंटे यही काम कर रहे हैं। एक युद्ध है जो अंदर चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जिसको बीच बीच में आप देखते हैं। अच्छा 10 मार दिए, अच्छा आज गुजरात में हो गया, आज राजस्थान में हो गया। आप सिर्फ इन खबरों को गिनिए। इसलिए अपने स्वार्थ से हट करके वो मांग करिए कि आपके जाने के बाद भी इस देश की व्यवस्था पर ऐसे लोग बैठें कि जो सनातन के किसी मूल के खिलाफ अगर सपने में भी सोचें तो सपने में कुर्सी छीनने की ताकत आपकी है।